मथुरा वृंदावन आने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। ये भक्तों का भूमि है, संतों का भूमि है, ज्ञानियों का भूमि है, यहाँ तो आना हमारा फर्ज बनता है। तो कल सत्संग हुआ, कल रात को, अभी आज बैसाखी का दिन है। सबको मेरी ओर से सबको शुभकामनाएं हैं बैसाखी की। नया साल भी आ रहा है, इसमें नया वर्ष, आर्ट ऑफ तो लिविंग इसमें सबको ये संकल्प लेना चाहिए जमुना जी को साफ करने का। जहाँ जमुना जी की इतनी मान्यता है, उसी जमुना जी आज सिर्फ एक नाला बन के रह गया है। और हमने जमुना के किनारे बहुत बड़ा उत्सव किया था अभी ठीक 1 महीने पहले, उसको रोकने के लिए लाखों कोशिश थी लोगों की, उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। और हमारा मकसद ये था कि वहाँ जमुना के किनारे करें तो लोगों को ध्यान वहाँ जाए जमुना के बारे में, वहाँ की पानी साफ हो। सरकार, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आएंगे, वहाँ बदबू बना रहना शोभा नहीं देती है। इस कारण से हमने कहा कि वही करेंगे। और कुछ लोगों ने अपना माध्यम का स्वातंत्र और हर तरह का स्वातंत्र का दुरुपयोग करने की चेष्टा करके उसको रोकने की चेष्टा करी थी। मगर जहाँ ईश्वर साथ है, तो ये कोई शक्ति इस चीज़ को रोक नहीं पाए। बहुत भव्य हुआ कार्यक्रम। आज भी 1 महीने बाद भी उसकी चर्चा दुनिया में सब जगह हो रही है। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमें अपनी चीज़ों को ही हम निंदा करते रहते हैं, तो हम कहाँ तक हम आगे बढ़ पाए। इसीलिए भारत का युवाओं में आत्मविश्वास कुंठित होने लग गया है। नहीं तो 100 करोड़, 125 करोड़ देश का जो जो स्ट्रेंथ है, माने इसका ताकत है, वो दुनिया में बहुत निकल के आ सकती थी। क्यों हम अपनी ही संस्कृति को, अपनी ही कला को, अपनी ही संप्रदाय की निंदा में हम जुड़े रहते हैं। थोड़े से लोग, जबकि ऐसे लोगों की तो मात्रा बहुत कम है। सत्यमेव जयते, इस पर दृढ़ विश्वास रखिए। और ये जान लीजिए, ईश्वर हमारे साथ है, तो हमारे लिए जो अच्छा है वही होगा।